महाराज। आप चिंता ना करें महाराज, तूफान शांत हो चुका है। ये तूफान नहीं, आने वाले खतरे का संकट है भीम। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ सागरपुर, जल चक्र के रक्षक। जल चक्र संकट में है भीम। नक्शे में सागरपुर यही है। ढोलकपुर का छोटा भीम हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम, जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज। भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्र वर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। तुम सही कह रहे हो भीम, हम संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। अकोरा जलिका बनने के लिए तीन युद्ध कलाएं सीखनी बहुत जरूरी है। पहली जल प्रहार, दूसरी ध्वनि तलाश और रूपांतर। सबसे पहले जल प्रहार, पानी के लहरों से वार। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और फिर अपने दुश्मनों के ऊपर प्रहार करना है। ये देखो, पानी में इतनी शक्ति। मत भूलो कालिया, नदी और झरने पत्थरों को चीर कर ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी कला है ध्वनि तलाश। इस तरह से अपने चारों तरफ ध्वनि तरंगों को फैला के अपने मतलब की चीज तलाश करो और उसे ध्वनि तलाश। अब तुम लोग कोशिश करो। अकोरा में बदलने की रूप रूपांतर अकोरा। चलो दोस्तों, अपने अंदर के दानव को बाहर लाओ। अपने असली रूप के बारे में सोचते हुए ही तुम अपने रूप में वापस आ सकते हो। रूप रूपांतर अकोरा। हाँ?
गुस्से में दिख रहे हैं ढोलू। उस्ताद को डांट पड़ने वाली है। अरे भोलू, इस वक्त उस्ताद को डांट से नहीं, उस अकोरा के दांत से डर लग रहा है। क्या हुआ भीम, तुमने रूपांतर को क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए जल प्रहार और ध्वनि तलाश ही बहुत है समुद्र। मैं रूपांतर के बिना ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ। और हम भी। मैं भी। जल चक्र चक्रव्यूह के अंदर है और उसके अंदर दामियान की अकोरा सेना उसकी निगरानी कर रही है। उन अकोराओं का सामना हमें अकोरा के रूप में ही करना पड़ेगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, रूप कोई भी हो हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। तैयार हो जाओ, दमयान की सेना आ रही है। अच्छी चाल चली दमयान ने, जानबूझकर देरी से आया ताकि हमें चारों तरफ से घेर सके। फैल जाओ, हमला चारों तरफ से होने वाला है। दमयान के अकोरा इतने मजबूत और हट्टे कट्टे कैसे बन गए? ये ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सब अपनी मर्जी से अकोरा नहीं बने, बल्कि दमयान ने काले जादू से इन सबको अकोरा बनाया है। और वैसे भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं कालिया। और हट्टे कट्टे तो तुम भी हो कालिया। चंकू फिर भी चमकेगा, चंकू उनसे लड़ेगा। आगे बढ़ो, आक्रमण। सीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा फ्रेंड्स की शक्ति। देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है।
चलो राजू कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में बॉल कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों मैं अभी आया। कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। तो बताओ डमरू कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवान पुरवाले कभी हारते नहीं है। आप चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग? ढोलक पुरवाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। Oh!
इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो है? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊपटांग करने वाला है। आलू बैंगन मूंगफली दीवार पे चिपके छिपकली चुलबुली बुलबुली हड़फड़ाता विनाश मायावी तूफान। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास, मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम लड्डू। मेरी कमर। भीम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम मंगल सिंह को जादू की डाक मिली कहाँ से? ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम अच्छा हुआ कि तुम आ गए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और मेहमानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी। शिवानी तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी, शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। जीत किसकी हुई है? जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्र वर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह वाह वाह।
कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियाँ तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियाँ, ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे मजा कैसे है महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे तुझे एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग, और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है, मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या
क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ, और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं। कैसे हो सकता है, भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुँचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा। परमा देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने, निकल जाओ निकल जाओ। चुटकी चक्कू, पर मैंने किया क्या है? अच्छा तो तुम्हें याद नहीं, तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा मैं समझ गया, मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। तो असली भीम आ ही गया, अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम, तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम, शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।